जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको ऐसी खबर दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसे कहते हैं कि प्यार नहीं करना, जहान सारा कहता है, कोई कुछ कह ले ये प्यार होके रहता है। जी मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय बेंगाबाद की छात्रा की और घाघरा के एक युवक की। जो दिले दास्तान यह है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग लगातार एक वर्षों से चल रहा था और वह किसी तरह प्यार परवान ही चढ़ा था कि लड़की के परिजनों को जब पता चल गया तो विरोध जताया। मामला बेंगाबाद थाना पहुंच चुका है और यूं बता दें कि लड़की के परिजन काफ़ी खफा हैं, लेकिन वहीं लड़के के पक्ष के और उनके मतलब लड़की के जो ससुराल वाले हैं और बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ तक कि लड़के और लड़की ने दोनों ने शादी भी रचा ली है मंदिर में जाकर के, बेंगाबाद के एक मंदिर में, और दोनों खुश भी हैं। दोनों से मिलने के बाद में यह साफ प्रतीत होता है कि दोनों शादी खुशी राजी से किया है और खुशी राजी से अपना जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन प्यार के दुश्मन उनके बन पड़े हैं लड़की के माता पिता ही। यहाँ हम बात कर रहे हैं अभी लड़का के माता पिता यहाँ पर हैं और चलते हैं उनसे बात करते हैं आखिर क्या मनसा है और क्या चाहते हैं। ये जो आपका बेटा जो किया है शादी कर लिया है, आपको स्वीकार है? हाँ जी सरकार, हमको लड़का जो हमारे शादी कर लिया हाँ, हम रख लेंगे। रख लीजिएगा, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बहू का और अपने लड़का का कोई परेशानी दिक्कत नहीं होने देंगे। हमको दिक्कत कहाँ से हो रहा है? दिक्कत यही उसको माँ बाप कह रहा है कि हमको गाड़ी गुलज दे रहा है, उसका माँ बाप कह रहा है कि हम लड़का के जहाँ भी हटाएंगे उसको बोल हम ख़त्म कर देंगे, जिन्हें नहीं देंगे तुम्हारे घर पर परेशानी करेंगे, सब कुछ उसको माँ बाप कर रहा। कल जाके धमकी घर में दे के आए, हमारे ननद वहीं रहता है, हमको ननद के मारने पीटने के लिए उसको माँ और बाप चले गए, माँ बाप चला गया उसको, उसके जो बाप पिती है वो भी चला गया, बोलता कि तो अपने लड़की को काहे ने दे दिए, काहे ने सिंदूर दिला दिए, काहे ने रख लिए, हमको क्यों है, हमको लड़की का लेके चला गया और सर हमको लड़की का नहीं, वहाँ पर लड़का हमको नहीं घर गया, कल हमको लड़का पंजाब से आया है, पंजाब लुधियाना में काम, हाँ लुधियाना से काम कर रहा। इसे लड़की का शादी तय हो गया था ना? तय हो गया था उसको, लड़की का शादी तय हो गया। और एक बार हमारे लड़का से जब सब दोनों में बातचीत हो रहा सर, तो हम जान गए थे, तो हम उसको माँ बाप का हम इजहार दिए कि अपने लड़की के तुम मतलब सेट में अपना समाज। कितना दिन से चल रहा था ये? मतलब दो साल से चल रहा था। जब स्कूल में पढ़ रही थी? जब स्कूल में पढ़ रहा मेरा लड़की गाड़ी वाला काम यहाँ पर कर रहा लड़का, तब सब सलीम के पास, फिर कैसे कैसे वो लोग मतलब नंबर लिया, पैसा दोनों में अपना प्रेम चलने लगा। उसके बाद में वो क्या करा हम जान गए हैं कि बेटा कहाँ फोन करता, अब कभी कभी मैं उठा लेते हैं लड़की का फोन, तो हम बोले कि कहाँ से बोल रहे हैं, बोल हम फिटकोरिया से बोल रहे हैं अमजो से, हम बोले तो क्या बात है क्या, वो बोला कि कुछ नहीं हमको मैं से बात करना है लड़का का नाम से बताया, फिर हम बोले कि उसे काहे तुम फोन करते हो, हमारे पास फोन मत करना। फिर हम लड़का को लेकर अपना पति को लेकर के सबको लेकर के हम कमाने खाने के लिए बाहर चले गए पंजाब लुधियाने, लुधियाना चले गए। फिर वहाँ पर लड़की फोन करता था मेरे पास, मेरे पास फोन करता, तो हम इसको माँ बाप को हम जानती दी हैं, हम बोले कि देखिए मेरा ननद वहाँ रहता है और हम लोग सब अपने जोर नार में अपने जात हैं, आपको पर जात तो है नहीं, तो फोन कर रहा आपको लड़की, लड़की के अपना समझ लीजिए कि फोन मत करिए, और न फोन करेंगे तो आज का लड़का लड़की कुछ भी कर सकता है। लड़का का नाम उमेश है, लड़का का नाम उमेश है, लड़की का नाम लाली है, लाली है, लाली है। दो तो, साल से दोनों का चल रहा है, दो साल से चल रहा। फिर इसको माँ बाप के हम बता दिए सर, हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है कहानी, आप लोग तो जानते हैं कि नहीं, हम लोग का फोन वो भी कहा कि तुम्हारे लड़का यहाँ फोन करता है, हम उसको कहें तुम्हारी लड़की फोन करता है, सब कुछ जान गया। उसके बाद में जानने के बाद में वो बोला कि तुम आओ हमारे माँ बाप घर जाएगा देखने के लिए, तब माँ बाप के बताया तो हमको फोन करा। पिछले साल जब लॉकडाउन रहा सर तब फोन करा। लड़का और लड़की राजी और उनके लड़का का पिता और माता दोनों राजी हैं, आप क्यों हुए? हम उनके पिता हुए भी लड़का का, आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं हमारा कोई दिक्कत नहीं है, रखने के लिए तैयार हैं। हाँ जी हम रखने के लिए, बेटा जो शादी किया रखने के लिए, रखने के लिए तैयार हैं। और कौन है आपके साथ? कौन भाई है? भाई है, तुम्हारा भाई है वो लड़का? उमेश जी तुम्हारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं शादी में? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो समझ सकते हैं कि लड़के पक्ष के तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार के दुश्मन बन बैठे हैं उसके माता पिता। उनके माता पिता के पास भी चलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले चलते हैं उस लड़की के पास और उस लड़का के पास जो एक दूसरे से प्यार का इजहार कर चुके हैं और शादी भी कर चुके हैं। मिलवाते हैं आप लोग को उससे, और अभी फिलहाल दोनों पुलिस कस्टडी में है, पुलिस के सुरक्षा में व्यवस्था में है, और उनसे मिलवाते हैं आपको। और
और उस लड़की से भी मिलवाते हैं और उस लड़का से भी मिलवाते हैं कि आखिर दोनों का प्रेम का राज क्या है और कब प्रेम हुआ दोनों के बीच में, कब दोनों के बीच में परवान चढ़ा, उनसे मिलवाते हैं आपको। जी, मिला रहा हूँ मैं आपको उस लड़की से जो लाली है, जो दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था या कैसे चल रहा था, इन सब सारी बातों कब से आप जान रहे हैं उमेश को? हम जान रहे हैं जिस टाइम 8 क्लास से पढ़ते थे उसी टाइम से। 8 क्लास में कब पढ़ रही थी, 2 साल पहले? नहीं, 2015। तो क्या लग रहा है, मतलब आप लोग शादी कहाँ पर कर ली है, मंदिर में? मंदिर में नहीं है, मेगाबाद के आगे में रोड में किए थे। अच्छा, तो क्या आप उससे प्यार करते हैं लड़का से? हाँ करते हैं। साथ रहेंगे? जी। अब मान लो पुलिस लग गए अलग कराने, आपकी माता पिता अलग कराना चाह रहे हैं तो क्या होगा? हम नहीं होना चाहते हैं। है? हम नहीं होंगे। तो आप मम्मी पापा को समझाइएगा, नहीं समझाइएगा? समझाएंगे कि हम नहीं होना चाहते, हम साथ में हो गए हैं तो साथ में रहेंगे। तो फिर मम्मी पापा को कहे ना बोल रहे हैं आप लोग? हम पहले भी बोले थे पर मेरा घर वाला नहीं माना कि वहाँ पे शादी नहीं कराएंगे, वो बोल रहे हैं। मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे। कहे? क्योंकि वो एक बार वहाँ पे देखने के लिए भी गया था लड़का को, पर उसका लड़का पसंद आ गया पर घर नहीं पसंद आया था। अरे तो तुम लोग को घर में थोड़ी रहना, घर बन जाएगा बाद में, बोला नहीं? हम घर में बोले कि घर नहीं बना तो क्या हुआ, हम शादी करेंगे वहीं पे। तो मेरे घर वाला बोला कि हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे और मेरा दूसरा जगह शादी सेट करा दिए, वहाँ पे हम लोग को लड़का भी पसंद नहीं। तो ये खाली तुम ही प्यार करती है, वो भी प्यार करता है तुमसे? वो भी करता है। सबसे पहले कहाँ मिली थी उससे? गांव में ही। रहिए जी, आप लोग रहिए साथ में, रहिए हैं? गांव में ही। उसके गांव में? अपने गांव में, अमजो। अमजो वहाँ गया हुआ था क्या? लड़का घाघरा का है, तुम अमजो का है? हाँ, वो अपने फुआ के घर गया था, पूजा हो रहा था वहाँ पे। पूजा किस चीज़ का पूजा हो रहा था? जगरना। वही जगरना में मुलाकात हुआ था ना? जी जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं आप लोग? जी हाँ। और शादी भी कर ली है? जी। तो फिर थाना कैसे पहुंच गए आप लोग? मेरे माँ बाप ने यहाँ पकड़ लिया। जी, हम शादी करके घाघरा चल गए थे। हाँ। तो मेरे माँ बाप ने यहाँ पर आया। अरे, घाघरा चले गए थे आप? जी। अभी तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि केस हो जाएगा लड़का पर, तुम्हारी माँ बाप नहीं मान रहा, वो कैसे क्या होगा? मेरे घर वाले क्या, हम साथ में तो मेरे घर वाला, हम जब खुश हैं इसके साथ तो फिर मेरे घर वाले। तो उम्र आपका नहीं हुआ ना, कितना उम्र हो गया, 18 साल हो गया फिर आपका? मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरा शादी कैसे हो रहा था 15 साल, मतलब मेरे घर वाला भी तो शादी करा रहा था ना। अच्छा, शादी आपकी तो तय हो गई थी? हाँ। तो वहाँ वो लड़का पसंद नहीं था? नहीं, हमको वहाँ पे करना ही नहीं था, हम शादी यहाँ पे करना चाहते। तो पहले तुमको बता देना था ना, पैसा दे दिया सुनते हैं तुम्हारे पापा? तो मेरे पापा, मेरे घर वाला अपना मर्जी से जो भी कर रहा था, इसलिए हम कुछ भी नहीं बोले कि पैसा दो या ना दो। कौन क्लास तक पढ़ी है तुम? 11। अभी पढ़िए रही कि छोड़ दी? छोड़ दी। तो हाँ रे, अभी तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि केस हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे तो केस हो जाएगा, फिर कैसे तुम लोग रहेगी? कैसे नहीं मानेंगे, साथ में ही रहेंगे। समझ सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ प्यार के दुश्मन बन बैठा है लड़की का माता पिता। लाली नाम बताई तुम अपना? तो निश्चित रूप से यह कैसे इसका समाधान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते हैं इस प्यार के सिलसिले को कौन कामयाबी तक पहुंचाता है। हम लोग लड़के से भी बात करवाएंगे और बने रहें बीएनबी के साथ, और लड़के से भी आप लोगों को बात करवाएंगे। फिलहाल लड़की पुलिस के सुरक्षा में है, पुलिस के जवान लेडी सब यहाँ पर हैं जो इनके सुरक्षा के लिए हैं। फिलहाल ऐसे लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे को बंधन में अगर बंध गए तो उनको शादी करा देने की। बने रहिए बीएनबी के साथ और दिखाते हैं, लड़का से मिलवाते हैं आप लोग को जो लड़का लाली से प्यार करती है। बने रहें, थैंक यू जी। तो मिलवाने जा रहे हैं आपको उमेश से, जिसने दो वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग की कहानी रची थी और आज थाना तक मामला पहुंच गया है। आइए चलते हैं, उमेश से बात करते हैं। ये कब से आप जान रहे हैं इसको, लाली को? लगभग 4 साल से। 4 साल से जी। एक दूसरे से दोनों से प्यार करते हैं जी। तो फिर शादी भी कर ली है आप लोग, फिर यहाँ थाना कैसे पहुँच गए? उसके मम्मी पापा तक केस कर दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे ठीक हो गए? क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम लोग दोनों साथ में रहना चाहते हैं। साथ रहना चाहते हैं जी। कसम खा ली है साथ जीने मरने की जी? हैं, कसम खाएं जी? कहाँ पर कसम खाएं? अरे, सच्चा प्रेम करता है ऐसे ही खाली? सच्चा प्रेम करते हैं। हैं जी, साथ रहना चाहता है जी। तो समझ सकते हैं एक दूसरे से दोनों बेहद और बेइंतहा प्यार करते हैं, और साथ ही साथ ये सबसे पहले कहाँ मिली थी, स्कूल में? नहीं, तो बुआ के घर में। बुआ के घर में जी। निश्चित रूप से एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो आप देख सकते हैं दोनों ने अपनी बात रखी है और
कहते हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, प्यार भरा दिल ना तोड़ो। निश्चित रूप से अब देखते हैं इस प्यार के परवान का कहां तक मामला पहुंचता है और कौन इस मामले का समाधान करता है और क्या इसका अंजाम होता है। अगले एपिसोड में आपको BNB दिखाएगी। तब तक बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यम जयते, वंदे मातरम। जी तो आइए आपको मिलवाते हैं उस लड़की के माता पिता से जो फिलहाल विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। लड़की के माता पिता का कहना है कि लड़का का जो खानदान है वो ठीक नहीं है, उनका घर द्वार ठीक नहीं है, तो ऐसे में इस स्थिति में हम कैसे लड़की को दे दें। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, लड़की के माता पिता के पास ही चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। कौन है लड़की के पिता? आप हैं? हाँ। क्या नाम हुआ बेटी का आपका? लाली। ये क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? देख रहे हैं सब तैयार है। फिर आप इसको घर में पहले गए थे 2 साल 1 साल के पहले, जब हमको विरोधी हो गया कि इसको घर खानदान नहीं है। एक लड़की मेरी थी, तो मैं जानना चाहता था कि मेरे लड़की को इतना इंटर पास किया है, हम अच्छा घर में शादी करेंगे, इससे सुखी परिवार रहेगा। तो लड़का जब हम इसको घर से विरोधी होकर हम चले आए इसके घर से, तो हमका रिश्ता इसका ख़त्म हो गया। ताकि ऐसा होता है कि कोई फोन से बात बाद में बोलने रिश्ता जोड़ेगा तो थोड़ा नंबर दीजिए, आप भी नंबर लीजिए, तो इस तरह से नंबर इसके पास हम दे चुके थे। और वो नंबर से वो बात के बाद में जब वो नंबर से फ़ोन करने लगा, हम इसको इनकार कर दिए कि आपको घर में हमको शादी बेटी को नहीं देंगे हम। इसके अलावा हम दूसरा ये सावन के पूर्णिमा के 2 दिन पहले बात के बाद में हम जाके हरनवाटन में लड़का को सेट किए, ताकि फिर फलदान किया लड़का को, लड़की को, और बीच में हम पैसा भी दे दिए इसको। कितना पैसा दे दिया? 54,000 रुपया दिए। तो वहाँ तो आप दहेज दे रहे हैं, यहाँ बिना दहेज का होगा? और वो बात के बाद में जब वो लड़का फिर वो जानकारी के होने के कारण में वो लड़का को भी पता नहीं था कि हमको पता नहीं कि लड़का यहाँ है कि नहीं है, और हम इससे रिश्ता जब तोड़ दिए तो लड़का फिर बाद में फ़ोन करने लगा कि रिश्ता हमें इसको जानकारी नहीं है। अगर हमको जानकारी रहता तो मैं कल गिरिडीह जाके कपड़ा लिए थे 30 पीस सड़िया, और कपड़ा वहीं दुकान में छोड़ के फिर हम यहाँ आए। लड़का वो घर गया कि नहीं गया, ना माँ बाप था कि नहीं था इसका, मतलब आप जानते थे कि आपकी बेटी का पहले उससे प्रेम चल रहा? जानते थे, जानकारी था कि हम इसका रिश्ता तोड़ दें कि आपको बेटी लड़का हम करबे नहीं करेंगे। जब हम लड़की तैयार है, लड़का तैयार है, तो फिर आप विरोध काय कर रहे हैं? विरोध हमको इसको घर में जाता नहीं यार, इसको लड़का इसको लड़की को पसंद है, लड़का लड़का को लड़की पसंद है, फिर ये हमको पता भी नहीं है अभी तक। हरनवा टाउन में इसको आदे, आदे सेट कौन है आप लड़की के चाचा बोल रहे हैं? लड़की चाचा है। जिस समय हरनवा टाउन में इसको जब हम लड़की को सेट किए थे, उस समय लड़की हमारे तरफ से मतलब राजी थी। इसके बाद ही लड़का जब बहकाने लगा तब लड़की इसके पक्ष में मतलब बहक गई है। तो लड़की तो उम्र हो गया है और उसी के साथ शादी करना चाह रही है, रहना चाह रही है। नाबालिग लड़की है ना? नाबालिग कहाँ, तो आधार कार्ड में तो पूरा बताया जा रहा है। आधार कार्ड में नाबालिग है, अभी दिखा देते मोबाइल में, हम देख लीजिए। कितना दिन बाकी है? 11 दिन बाकी। 11 दिन अभी है, 15 दिन लगभग बाकी। 11 दिन बाकी है। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, उस लड़की की उम्र 18 साल पूरे होने में मात्र 11 दिन है, और इस 11 दिन को लेकर के लड़की वाले विरोध जता रहे हैं कि लड़की नाबालिग है अभी। अब देखते हैं, लड़की के माँ के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं, क्या कहना चाहती है और क्या बोलना चाहती है। जी बताइए, कहना करना चाह रही हैं आप बेटी का शादी? बेटी का शादी नहीं कर सकेगा सर, देखिए वहाँ पसंद नहीं है, टूटल भांगल घर है, दारू पीता है, गाड़ी पकड़ करता, हम लोग फोन उसी के फोन करते कि हमारा मोबाइल में फोन नहीं करना, उसका माँ बहन के गाड़ी से पूरा बक रहे हैं कि हमारा मोबाइल में फोन नहीं करना, हमारा लड़की को मत बकाओ। लड़का से हुआ तो लड़की तैयार है, लड़का तैयार है, फिर आप लोग काहे विरोध कर रहे हैं? नहीं, उसी के हमारा पसंद नहीं है, उसका घर अच्छा नहीं है, उसका लड़का नहीं अच्छा है। आपको पसंद नहीं है लेकिन लड़की को तो पसंद है, लाली को पसंद है? हम तो वहाँ 54,000 रुपया दे दिए हैं, सब तिलक हो गया, सब सामान जुटा लिए, हम सब चीज के बयाना दे दिए सर, हम कैसे वहाँ शादी करेंगे, हम क्या कहेगा? आप 54,000 दे दिए हैं और पैसा दीजिएगा, शादी करा दीजिएगा, और बाद में लड़की और लड़का दोनों फिर भाग गया, तब भागा लेकिन हम जानकारी नहीं, हम अरे तो अभी आप जहाँ करना चाह रहे हैं, जहाँ आप लोग शादी करना चाह रहे हैं, अब शादी कर लेगा आप, वहाँ कर लेगा शादी, बाद में भाग जाएगा लड़की, तो उसी को मार देंगे हम, जहाँ लटाएंगे तहाँ लड़का को, यार लड़की को हम काट देंगे। हमारा जब हम माँ है, हम 9 महीना टांगा है, उसका जन्म आई है, माँ बाप की बात नहीं लेके चलेगा तो क्या करेगा उसी को? तो उससे प्यार करता है, शादी कर लिया है, सब रहना चाहता है साथ में, तो व्यापक दिक्कत क्या कर रहे हैं? दिक्कत कर रहे हैं, हमारा तो छोटा छोटा बच्चा है सर, हम अपना लड़का बच्चा के पोस के खिलाएंगे ना लड़की को? देखिए हम, हमारा छोटा छोटा बच्चा है, 3 लड़का यार, 1 लड़की है, हम सोच रहे हैं कि ना लड़की को अच्छा से पढ़ाए लिखा करके हम लड़की को शादी कर देंगे, कि हमारा घर नहीं आने सकेगा।
हम अपना लड़का को पसेंगे, अपना लड़का को घर द्वार बनाएंगे, लड़की वहाँ से रोने आएगा हमारा पास तो हम कहाँ से देंगे, अपना लड़का बच्चा को खिलाएंगे नहीं, अपने खाएंगे ना हम अपना लड़की को या लड़का को खिलाएंगे। तो आप जहाँ करना चाह रहे हैं शादी वहाँ बढ़िया से रहेगी? हाँ रहेंगे सर। हाँ हम सब तो दे दिया है उसका, तो वहाँ तो उसी ये तो करना ही नहीं चाह रही है, ये आपकी बेटी करना ही नहीं चाहती, वो तो कह रही है वो तो कह रही है उमेश, वो तो कह रही है उमेश से करेंगे शादी। जबरदस्ती सिंदूर दिया हमारा बेटी को बहका के लाए सर। नहीं बेटी तो आपकी तैयार है, अभी तो कैमरे में बोली कि हम लोग साथ रहना चाहते हैं। फिलहाल स्थिति असमंजस की बनी हुई है, अब देखना है कि मानवता प्यार में जगता है या समाप्त हो जाता है। फिलहाल लड़की की उम्र बताया जा रहा है कि 11 दिन आधार कार्ड में नाबालिग माना जा रहा है। इधर प्रशासन भी अपनी सुरक्षा में लड़की और लड़के को दोनों को रखा है। अब डिपेंड करता है लड़की के परिजनों पर, क्योंकि लड़का राजी, लड़का का माँ बाप राजी, घरवाले राजी और लगभग सभी हैं राजी। फिलहाल इस प्यार में उनके माता पिता विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों का एक होते हैं या दोनों अलग होते हैं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बने रहिए बीएनबी के साथ और देखते रहिए कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।